कई बारी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आपको एम्प्टी जेस्टेशनल सैक करके मेंशन किया जाता है। तो एम्प्टी जेस्टेशनल सैक का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। तो गाइस देखिए, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेगनेंसी का, तो उसमें जो प्रेगनेंसी की पहली झलक हमें दिखाई देती है उसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जेस्टेशनल सैक क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा कि एम्प्टी जेस्टेशनल सैक क्या होता है, उसको समझने के लिए आप पहले तो उस वीडियो को देख लेना। जब प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है और हमें जब जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, तो इस जेस्टेशनल सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद हमें इसमें एक योग सैक दिखाई देता है। इस योग सैक के दिखाई देने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें इसमें फीटल पोल दिखाई देता है और फिर बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे में कोई खराबी होती है तो फिर जेस्टेशनल सैक का विकास तो होता है धीरे धीरे, लेकिन जो प्रेगनेंसी की अगली प्रोसेस थी, योग सैक दिखाई देना, फीटल पोल दिखाई देना और बच्चे की दिल की धड़कन आना, वो सब नहीं होता। और जो जेस्टेशनल सैक है उसके अंदर जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, मतलब सुकड़ जाती हैं और अपने आप वो ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि जेस्टेशनल सैक का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ऐसी कंडीशन को ब्लाइटेड ओवम या फिर एम्प्टी जेस्टेशनल सैक या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी करके मेंशन किया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।